हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकारों से नारी का गुणगान किया गया है। अब तो वर को लाखों में खरीदा जा रहा है। शर्म नहीं आती? पहले से ही दो लड़कियां पैदा करके रखी हैं। क्या उनसे मन नहीं भरा? इसमें मेरी क्या गलती है? बदतमीज, तुम्हारी यह हिम्मत? कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाऊं छैली धूप मैली क्यों हैरी। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है क्या आग चल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल पड़ी है क्या आग चल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाओ छैली धूप मैली क्यों हैरी। हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकारों से नारी का गुणगान किया गया है। यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रियः। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं, वहां स्वर्ग जैसा आनंद मंगल होता है। और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहां पर सभी कार्य निष्फल रहते हैं। किंतु आज की परिस्थितियां कितनी भिन्न दर्दनाक और हृदय विदारक हो गई है, जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजन्मी लड़की मुजरिम है, सजा है मृत्युदंड। नारी को भिन्न प्रकारों की दर्दनाक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे भयंकर सजा है उसे जीवन से ही वंचित कर देना। यह नृत्य नाटिका
दो अजन्मी जुड़वा लड़कियों की दर्दनाक गाथा है। उनका कोई नाम नहीं है, हम उन्हें छोटी और दीदी के नाम से पुकारेंगे। यह कथा उस सुखद दिन प्रारंभ हुई जब उनके माता पिता सुनीता और सुरेश ने साथ फेरे लिए थे। सौभाग्य की समृद्धि के लिए मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, जिससे हम दोनों पुण्य प्राप्त कर सकें। भक्त अरिहम अवदानशील देवता, इन्हीं देवताओं ने प्रसाद रूप में गृहस्थ जीवन के पालन हेतु तुम्हें मुझे दिया है। तुम्हारा हृदय मेरे व्रत के अनुकूल हो, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। मेरे कथन को तुम चैन से एक मन होकर सुनो। भगवान प्रजापति तुमको मुझ में युक्त या अनुरक्त करे। जो तुम्हारा हृदय है वो मेरा हृदय हो जाए, और जो मेरा हृदय है वो तुम्हारा हृदय हो जाए। अब विवाह संस्कार का विधिवत पालन करते हुए वर और वधु एक दूसरे को फूल माला पहनाएं। विवाह संस्कार पवित्र और ईश्वर द्वारा संस्थापित किया गया है। यह जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन है। अग्नि देवता को साक्षी मानकर वर और वधु साथ फेरे ले लें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब कन्यादान की रस्म पूरी करें। अरे सुन, ये कन्यादान क्या होता है? अब लड़की वाले अपनी सुपुत्री को सदा के लिए वर के परिवार को दान करेंगे। लोग हर समय हम लड़कियों को पराया धन कहते हैं। पापा कहते रहते हैं कि गुड़िया अपने घर चली जाए तो हमारी चिंता दूर हो। तो फिर ये कन्यादान क्या है? जिसकी चीज उसे दे दी और कह रहे हो हमने दान किया, वह तो तुम्हारे पास ऊपर वाले ने कुछ दिनों के लिए अमानत के तौर पर रखी थी। उसे जहाँ जाना था वहाँ चली गई, तो इसमें दान का सवाल कहाँ है? हमारी संस्कृति में जब दहेज का दानव नहीं था तब वास्तव में कन्या को दान में दिया जाता था। अब तो वर को लाखों में खरीदा जा रहा है। कन्या भी दे दो और पैसे भी दे दो। अरे लड़की कोई गाय या बछिया है जो दान में दे रहे हो, या कोई रुपया पैसा है कि दान में दे दिया? अरे वह तो लक्ष्मी है, सरस्वती है। उस शक्ति की उपासना करो मूर्खो, उसे दान में क्या दोगे? वह दान में देने वाली वस्तु नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को नर व नारी के रूप में रचा। नारी को देखकर नर ने कहा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। भले ही नर शक्तिशाली था और नारी कोमल और सुंदर, परंतु दोनों एक समान बनकर और एक दूसरे के सहयोगी बनकर जीने के लिए बनाए गए हैं। दुर्भाग्यवश मानव जीवन का इतिहास और नारी का जीवन परिचय एक कड़वी एवं दुर्भाग्यपूर्ण करवट लेने ही वाला था।
सुनते हो, आज पेट में कुछ हलचल हुई, लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। यह तो तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई। आने दो हमारे वंश के भविष्य को, मैं उसे बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। और आने वाली लड़की हुई तो? ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बातें ना करो। पहले तो लड़का ही होगा, यह परिवार की मर्यादा है, सुंदरता है। लड़का ना हुआ तो वंश कैसे चलेगा? परंतु प्रकृति के आगे इंसान का भला क्या जोर चलता है। सुनीता ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सुरेश मन महसूस कर रह गया, पर कुछ बोला नहीं। किंतु उसकी मां ने रोज रोज सुनीता को ताने देना नहीं छोड़ा। वर्ष बीत गए, सुनीता ने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया। अब तीसरी बार वह फिर गर्भवती थी, किंतु इस बार परिस्थितियां कुछ भिन्न थी। सुनीता की कोख में एक नहीं, दो बच्चियां पल रही थी। गर्भवती होने की बात सुनकर ही सुरेश चिढ़ गया। शर्म नहीं आती, पहले से ही दो लड़कियां पैदा करके रखी हैं, क्या उनसे मन नहीं भरा? इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो कहा था एक अवसर और एक प्रयास और कर लेते हैं। तुमने यह नहीं सोचा कि अभी मैं ऑफिस के चक्कर में कितना उलझा हुआ हूँ? उधर छोटी बहन भी छाती पर बैठी है, उसकी शादी करनी है। बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, अब मुझमें एक और लड़की को पालने की हिम्मत नहीं है। सुरेश और सुनीता की दोनों लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी, बड़ी होनहार थी दोनों। विद्यालय वार्षिकोत्सव में अपने घर वालों का नाम रोशन करने में दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लीजिए, आप ही देख लीजिए उनकी कला की एक झलक। तनदुम 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 तनदुम। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। तनदुम 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 तनदुम। जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके
ठिकाना ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम, पढ़ लिख के जो काज करेंगे सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे, समझो जरा। उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। गाना दो, गाना दो, गाना दो, गाना दो, लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है, गाते हैं हो गाना सो गाना दो, जो ज्ञान है शिक्षा का रसना है। सुनीता के गर्भ में पल रही दोनों बच्चियां भी अपनी दीदियों के नृत्य का भरपूर आनंद ले रही थी, जिसका आभास सुरेश और सुनीता को बिल्कुल नहीं था। आइए हम सभी देखते हैं उन अजन्मी बालिकाओं के मनोभावों का दृश्यांकन। बहुत मजा आया दीदी, हम भी कहीं लड़कों से कम हैं क्या? फिर भी हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए हम लड़कियां ही ठहरी ना। पढ़े लिखे लोग भी यही समझने लगे हैं कि बेटी एक अभिशाप है। पापा और दादी पहले से ही चाहते थे कि वंश के उद्धार के लिए एक पुत्र हो। यह वंश उद्धार, वंश वृद्धि क्या होता है दीदी? छोटी, हमारे जीवन की निरंतरता बनी रहे ऐसी सभी की स्वाभाविक इच्छा होती है, जिससे परिवार का नाम हो। नाम कैसा दीदी? मुझे भी नहीं मालूम छोटी, मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार में ऐसा कोई महान लोक कल्याण का कार्य किया हो, जिसे आगे बढ़ाने के लिए किसी वंश उद्धारक की जरूरत हो। और यदि जरूरत है तो वह काम क्या हम लड़कियां नहीं कर सकती? क्या मदर टेरेसा, विनोबा भावे, बाबा आमटे, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, कभी अपना नाम आगे बढ़ाने के बारे में सोचा? छी, ऐसी सोच से ही मुझे घृणा लगती है छोटी। एक और बात है जो मैं छोटी के सामने बोल भी नहीं सकती। इन लोगों को लगता है कि चिता को यदि बेटा मुखाग्नि दे तो मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि आपका भाई, दामाद, भतीजा, कोई भी आपका दाह संस्कार कर सकता है। मरने के बाद क्या होता है यह तो मुझे भी नहीं पता, किंतु यह तो निश्चित है कि हम जैसी मासूम अजन्मी कन्याओं की हत्या का बोझ लेकर कोई इंसान शांति से मर भी नहीं पाएगा। उनकी चीख पुकार उनके कानों में अंतिम क्षण तक गूंजती रहेगी। क्या लाशों पर चलकर किसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? आज गोद भराई की रस्म है, खूब नाच गाना होगा, बढ़िया खाना होगा। मां की कोख में पल रही नन्ही परियों को भी मनचाहा भोजन मिलेगा, किंतु विसंगति तो यह है
कि जिसकी कोख में ये नया मानव जीवन आरंभ होने की खुशी मनाई जा रही है, उसी नन्हे जीव को लड़की होने पर मृत्यु दंड देने में इन्हें कोई संकोच, कोई आत्मग्लानी नहीं होगी। सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। दीदी, ये सुहागिन क्या होता है? तुम्हारा पति सदा जीवित रहे, इसे सदा सुहागिन रहो कहते हैं, क्योंकि पति घर का आधार, सहारा होता है। वह कमाकर सबको पालता पोसता है, उसकी जिंदगी मूल्यवान होती है। पर दीदी, यदि माँ घर का सारा अन्य कामकाज नहीं संभालती तो घर चलेगा भी कैसे? और हमारी माँ सदा जीवित रहे, इसके लिए कोई भी आशीर्वाद देना चाहे तो क्या कहेगा? ऐसा कोई आशीर्वाद तो बना ही नहीं छोटी, क्योंकि इन लोगों को उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। पत्नी मर जाए तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, फिर से जवान लड़की दहेज के साथ लाई जा सकती है। लेकिन दीदी, जब कोई विधवा से शादी नहीं करता तो विधुर से शादी कैसे कर सकता है? ओफो छोटी, पता नहीं तुम्हारे सवाल कब और कहां खत्म होंगे। राम राम बीबी जी, एक बर्तन और लाना, दूध ज्यादा लाया हूँ। बधाई हो, बच्चिया हुई क्या? अरे कहाँ बीबी जी, इस बार भी बछड़ा। लगता है ये गाय तो मेरे इस धंधे को पूरा चौपट करके रहेगी। बच्चिया देती तो धंधा कुछ आगे बढ़ता। पर बच्चिया हो या बछड़ा, ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना, यह तो ईश्वर की प्रकृति की मर्जी है। यह सब मैं ना जानू बीबी जी, यदि बछड़े ही होते रहेंगे तो मेरा और बाल बच्चों का क्या होगा? अब क्या करोगे? करना क्या, मरेगा भूखा। बछिया होती तो दूध देती, बच्चे भी देती, काम आगे बढ़ता, कुछ रुपया मिलता। यह है किस काम का? ऐसे नहीं मरा तो कसाई को देना पड़ेगा। दीदी, लगता है जानवरों में मादाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। हम इंसान की जगह पर गाय की कोख में जन्म लेते तो बेहतर होता ना? बात तो सही है छोटी, हमारे देश में गाय को माँ के समान पूजा जाता है,
स्त्री के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है। उधर देख, मुर्गे को कोई नहीं पूछता, बेचारा कट जाता है। मुर्गियां अंडे देती हैं, चूजे देती हैं, उन्हें कोई नहीं मारता, उनकी तो इज्जत होती है। लेकिन औरत भी तो बच्चे देती है ना दीदी, फिर उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? कभी कभी मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं होता छोटी। काश हम उस समाज के रखवाले कहने वालों से ऐसे प्रश्न कर सकते। सुरेश ने जबरदस्ती सुनीता की जांच करवाई ताकि पता चल सके कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, और शाम तक रिपोर्ट मिल गई। एक नहीं, दो बेटियों की वास्तविकता सुनकर सुरेश हताश हो गया। उसकी मां हाथ धोकर पीछे पड़ गई। क्यों बेटा, रिपोर्ट मिल गई? हाँ मिल गई। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? होना क्या था, जिसकी आशंका थी वही हुआ। एक नहीं, दो बच्चे हैं और दोनों लड़कियां। हाय रे धैया, ये किस जन्म का कर्म है कि भगवान हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जरूर इस औरत में कुछ खोट होगी। आप क्या करोगे? क्या करूं, कुएं में कूद जाऊं? तुमने भी तो नाक में दम कर रखा है। गुस्सा मत हो बेटा, जो मैं कहती हूं वैसा ही कर। उसी डॉक्टर के पास जा और सफाई करवा दे। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम उन लड़कियों को घर लाओगे तो यह समझो कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इतनी लड़कियों को दहेज कहां से दोगे? क्या तुम्हारे बाबूजी कोई खजाना छोड़ गए हैं? इस झंझट में ना तो तुम चैन से रहोगे ना ही तुम्हारी बेटियां। क्या एक पोते का मुंह देखना भी भाग्य में नहीं लिखा है? यह सोचकर मैंने तुमसे शादी की थी कि तुम मेरी जिंदगी का बोझ कुछ हल्का करोगी। तुमने तो मेरी छाती पर और बड़ा बोझ डाल दिया है, मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे सारा कसूर मेरा है। और किसका है, मेरा है। बच्चों को जन्म मैं देता हूँ या तुम? उल्टे मुझसे सवाल करती हो। सारी लड़कियों की पलटन लेकर शहर की गली गली में घूमता फिरूं मैं? बिरादरी में मेरी नाक कटवाओगी, मेरी इज्जत सरे बाजार में नीलाम करवाओगी? आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लड़कियां क्या इंसान नहीं होती है? अब ये रोने धोने का नाटक बंद कर। मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। धिक्कार है ऐसी नारी जाति पर जो कुलदीपक को जन्म नहीं दे सकती। कहां से ढूंढ लाए इस वक्त भागिन को? ये तो साक्षात कुल विनाशिनी है और हम मूर्खों की तरह इसे कुल लक्ष्मी समझकर इसकी पूजा करने लगे थे। मां जी, आप भी। बंद कर अपना यह झूठा और कपटी अभिनय। मेरा बस चलता तो मैंने उन मनोज पिंडों को खुक्का काट कर फेंक दिया होता। या तुम एक पुत्र देने के लायक नहीं? कुलांचनी, हमारी कुल की मर्यादा को तो रख लिया होता। तुम तो हमारे वंश के लिए एक श्राप बनकर आई हो।
दीदी ये क्या हमारा गुनाह है कि हमने लड़की के रूप में जन्म लिया। हमें तो जन्म लेने या ना लेने की आजादी भी नहीं थी। ये जिम्मेदारी तो पापा मम्मी की थी। तू सच कह रही है छोटी। पापा दादी अपना दायित्व निभाने से बचने के लिए हमारी बलि चढ़ा रहे हैं। शायद अपनी ममता के बावजूद मम्मी उनकी इज्जत के आगे बेबस है। अब न जाने हमारा क्या होगा। हेलो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हूँ। यस वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था।
यह शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब दोनों ही परिवारों की कहानी है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि एक स्त्री जो मानव की जननी है, वही एक कन्या भ्रूण के रूप में जगत को स्वीकार्य नहीं है। यह विचारणीय है कि इतनी वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के बावजूद भी हमारी सोच वही पुरानी है। हमारे समाज में आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है और न ही उन्हें लड़कों की तरह स्वतंत्रता प्राप्त है। ये क्या बदतमीजी है? पूरा रास्ता घेर के चल रही हो, जैसे कि तुम्हारे बाप का आंगन है, ऊपर से हमें ही ताने मार रही हो। हम तो अपनी साइड से चल रहे हैं, तुम अपनी साइड से चलो ना। तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ, जितना इस रास्ते पर तुम्हारा अधिकार बनता है उतना मेरा भी है। ओहो, अरे सुनो यारो, आई हमारी महारानी अधिकार की बात करने वाली। क्या हंगामा मचा रखा है, देखते नहीं यहाँ कक्षा चल रही है। देखिए मैम, इसने जानबूझकर टक्कर मारी। तुम चुप रहो, ज्यादा नाटकबाजी मत करो। अरे वे तो लड़के हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। वारी मैडम जी, आप जैसी टीचर हो तो इस देश की लड़कियों का उद्धार तो भगवान भरोसी ही रहा। हाँ वो तो लड़के हैं, उन्हें कुछ भी करने की इजाजत है। आज सिर्फ लड़के हैं, कल पति परमेश्वर बनेंगे। शादी के बाद पत्नियों को घर की चार दीवारों में बंद रखेंगे, दहेज के लिए सताएंगे। वारी मैडम जी, आप भी कैसे इस समाज की घटिया रीति रिवाजों को संभाले रखी है। इन लड़कियों को तो भगवान ही बचाए। आज हमारे सभ्य कहलाने वाले समाज के परिवारों की अनेक लड़कियों की यह दशा है कि वे चाहकर भी अपना आसमान नहीं ढूंढ पाती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज लड़कियों ने वह कर दिखाया जो एक समय केवल लड़के और पुरुषों तक ही सीमित रहता था। आज लड़कियां दफ्तर जाती हैं, घर संभालती हैं, लेकिन क्या हमारी मानसिकता सुधरी है? क्या आज लड़कियां निर्भय निर्भीक होकर सुनसान सड़कों पर चल सकती हैं? अरे वो देख, सपनों की रानी चली आ रही है। ओ, साक्षात देवी के दर्शन हुए। ओए चमक छल्लो, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कब से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हटो यहाँ से, क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? क्यों नहीं है, दो बहनें हैं, पर अब तो हम एक दोस्त की तलाश में हैं। इससे खूबसूरत दोस्त और कौन मिल सकती है। क्या चाल है, क्या रूप है। बदतमीज, तुम्हारी यह हिम्मत। ओए, तेरी ये हिम्मत, तू हम पर हाथ उठाती है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अभी बता देते हैं क्या कर रहे हैं। हाय, हाय, ओ मम्मी, अरे मुझे बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है, ओ मम्मी, अरे मुझे बचाओ। Ha ha ha!
अक्सर ऐसी घटनाएं इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे लड़कों पर कोई पाबंदी नहीं है, नियम कानून का डर नहीं है। जनता ने उम्मीदों का पहाड़ लेकर जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा, यदि वे ही महिलाओं पर होने वाले ऐसे अत्याचारों पर चुप बैठे रहें, मौन साधे रहें, तो ऐसी महिलाएं जाएंगी तो कहां जाएंगी, किसके पास जाएंगी? हमारे समाज की यही दुर्दशा है कि जो स्त्री जीवनदायिनी है उसे ही हम एक बोझ समझते हैं, एक श्राप समझते हैं। भारतीय महिला आनंदीबाई जोशी 19वीं सदी में भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी थी। आनंदीबाई जोशी एक साधारण महिला से कैसे बनी भारत की पहली महिला डॉक्टर, आइए देखते हैं उनका संघर्ष और डॉक्टर बनने की उनकी कहानी। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ही ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है।
पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितनी जल्दी इन्हें घर से विदा कर दें उतना अच्छा है। हाँ, कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती यह है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान काट दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र तेरे बाप की छाती पर यू बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा, ये ले। बापू, मत पढ़ो, बापू, मत पढ़ो। हट छोरी। नहीं, नहीं बापू, नहीं, बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, तुमने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें हैं ना, सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, लड़का और लड़की तो हमारी तो आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और ये एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू, कहीं बचपन में तेरा गला दबाकर मार दिया होता तो ये तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वह भी कल के कल। बेटी, हम औरतों की यही नियति है, अपना जीवन। हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो श्यामलाल, शहर की सिटी अस्पताल में एक बड़ा डॉक्टर आया है, अमेरिका से डिग्री लेकर, एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी अस्पताल चलते हैं।
इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? लो आ गए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। इंजेक्शन और दवाइयाँ समय पर देते रहें और जल्दी खून चढ़ाइए, और आप में से एक यहीं पर रहे और इनका ध्यान रखें। मैं भी यहीं हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से बचाया है आपको डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। कौन है वो? डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गरीब आदमी, भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे। यह कभी नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी, मेरी बेटी आनंदी। डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा को छोड़कर और कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काली कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, मैं तेरा अपराधी हूँ। मेरी बेटी माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल और किस किस को मारेगा? आनंदी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथों में अच्छी लगती हैं, बेटियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी। बेटियां और बेटों में फर्क करना तो दो आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ मैं, तुझ जैसी बेटी का जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो यह है बेटी, मैं तेरी माफी के लायक भी नहीं हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी नहीं हूँ। मेरी बेटी लायक भी नहीं हूँ। अपने बापू को माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दे आनंदी, माफ कर दे। इस प्रकार आनंदी बाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चलकर उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। लोगों के कल्याण और विकास के लिए चुने गए हमारे नेता भाषणबाजी तो बहुत करते हैं, परंतु जब लड़कियां और महिलाएं
हर दिन समाज की क्रूरता दोगलेपन का शिकार होती हैं, तब इन नेताओं के पास खोखले वादों के सिवा और कुछ नहीं होता। और तो और, संसद में भी ये लोग आपसी लड़ाई और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के सिवा और कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने में डरता हूँ। मैं वो हूँ जो बेटी को काम पर भेजता है तो डर लगता है कि बेटी को दरिंदों के बीच छोड़ाए। मैं वो हूँ जिसकी बेटी कभी बस स्टॉप में छेड़ी जाती है, कभी मेट्रो में। मैं वो हूँ जो हर टैक्सी ड्राइवर पर शक करता है और अपनी बेटी को अंधेरे में बाहर निकालने से घबराता है। कभी मैं सोता रह गया और कोई हैवान मेरी बेटी को ले गया। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन फादर जो अपनी बेटी की सिर्फ सुरक्षा चाहता है। हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को सुधारने की। देखिए आपकी कोशिश मणिपुर में। पिछले महीने में अगर 2 मिनट भी विचार करते तो शायद उन लड़कियों के कपड़े उतार के उन्हें सड़क पर नहीं चलाया जाता। यह देश में हर जगह होता है। क्या चाहते हो तुम? लड़कियों की हिफाजत और दोषियों को सजा। हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। पकड़ने को तो बड़े नामी गिरामी लोगों को भी आपने पकड़ा है। उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। वह मुख्य आरोपी भी साबित हुए, लेकिन फिर भी पैरोल पर जेल से बाहर हैं। लड़कियों के वीडियो में जो दोषी दिखाई देते हैं, पकड़िए उन्हें, चढ़ाइए फांसी पर। देखो, वह इतना आसान नहीं है। उतना मुश्किल भी नहीं है जितना उन लड़कियों के लिए जिन्हें अपनी आने वाली जिंदगी जीना होगा। साहब, एक बेटी पूरा घर चलाती है, फिर नौकरी पर जाती है, शाम को वह घर नहीं लौटती। क्यों? क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला डाला। ऐसी कई बेटियों के माँ बाप हैं जो आपसे जवाब मांगते हैं। अभी तो हमारे समाज में बहुत कुछ बदलना है साहब। एक एक मर्द तक पहुँचना है और उन्हें सिखाना है कि औरत की इज्जत कैसे करें। तुम आश्वस्त रहो, हम कड़ा कदम उठाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे। प्लीज डू। और हाँ, चांद और मंगल पर रहने की संभावना बाद में देखी जाएगी। पहले इस धरती को जीने लायक बनाइए, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगवाएं। आखिर कब तक हमारे देश में नारियां इन यातनाओं का शिकार होती रहेंगी? कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हमारी लड़कियां हर वक्त बेखौफ अपनी मर्जी के अनुसार खुली हवा में सांस ले सकेंगे? यह सवाल है आज हमारे समाज के सामने। हमें इस सवाल का समाधान खोजना है। मैं नहीं चाहता कि आप इस नाटक पर तालियां बजाएं। मैं चाहता हूं कि यदि संभव हो तो आप इस दुखद स्थिति पर अपनी संवेदना व्यक्त करें और आंसू बहाएं। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और आप यह भी प्रतिज्ञा करें कि जहां कहीं भी जीवन को कुचल दिया जाता है, क्रूर हाथों से रौंदा जाता है, आप किसी न किसी तरीके से उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जीवन ईश्वर की अनमोल देन है जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक बार प्राप्त होता है। हम इन्हीं भावनाओं से आपसे विदा ले रहे हैं कि आप नारी की शक्ति पर, स्त्री जीवनदायिनी क्षमताओं पर विश्वास रखना जारी रखेंगे। आइए
हम सब मिलकर हर नारी के वास्तविक अधिकार नारी सुलभ गरिमा को बचाने हेतु प्रण लेते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे
चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।